मूवी बैश में आज आप देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स में आई वर्ल्ड बेस्ट एडल्ट हॉलीवुड की मूवीज और ये होगा पार्ट 1। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते रहते हैं, वहाँ पे भी जरूर फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 10, इस मूवी को तो ऐसा लगता है बस एडल्टनेस का लेवल बढ़ाने के लिए बनाया गया है। कहानी ज्यादा खास तो नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा प्रीव्यू बताता हूँ। एक हैंडसम और रिच गैंगस्टर एक नॉर्मल बट ब्यूटीफुल लड़की को पसंद करता है, इतना ज्यादा पसंद कि वो उसको किडनैप कर लेता है। और फिर पूरी मूवी इन्हीं दोनों के डर्टी रोमांस में आगे बढ़ती है, जहां लड़का अपने प्यार को जीतने में लगा हुआ है। मूवी का नाम है 365 डेज, जो कि 2020 में। दोस्तों 1 घंटा 56 मिनट की ये मूवी है, इसमें अगर कुछ है तो सिर्फ सेक्स सेक्स और सेक्स। अगर आपको स्टोरी से कोई मतलब नहीं और बस न्यूडिटी एडल्ट्री और सेक्स सीन देखना चाहते हो तो बस ये परफेक्ट मूवी है आपके लिए। BDSM सेक्सुअल एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस किया गया है, इसे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में। नंबर 9, ये स्टोरी एक आम लड़की और एक रिच लड़के के बारे में 365 डेज जैसी ही है, मतलब कहानी कम और सेक्स ज्यादा। लड़की लिटरेचर स्टूडेंट है, वो एक दिन बहुत ही यंग रिच मैन का इंटरव्यू लेने जाती है, जहां लड़का उसे अट्रैक्ट होता है। लड़का प्यार से ज्यादा BDSM सेक्सुअल एक्टिविटीज पे बिलीव करता है। आगे तो आप समझदार होंगे कि क्या हुआ होगा। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है 50 Shades of Grey, जो की आई थी 2015 में। 2 घंटे 5 मिनट की मूवी है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कहानी के अंदर सेक्स सीन्स नहीं बल्कि सेक्स सीन्स के बीच कहानी है, और वो भी BDSM स्टाइल में, जो कि इरोटिक नेचर के हैं। पूरी मूवी इसी से भरी हुई है दोस्तों, ये आपको एक अलग एडल्ट वर्ल्ड में लेके जाती है। ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर और इसे आप हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। नंबर 8, एक लविंग कपल अपने ड्रीम हाउस में जाते हैं, उन्हें जल्द ये रियलाइज होता है कि उनके घर के विंडो से वो डायरेक्ट अपोजिट अपार्टमेंट में देख सकते हैं। वो दूसरे कपल की प्राइवेसी और रोमांस को स्पाई करके एंजॉय करते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं था कि ऐसा करने से उनकी लाइफ में ट्रबल आएगा, कुछ डेंजरस इवेंट्स उनका वेट करते हैं। मूवी का नाम है दी वॉयर्स, जो की आई थी 2021 में। 1 घंटा 56 मिनट की मूवी मिस्ट्री से भरी हुई है। कहानी में थ्रिल के एंगल को भी बढ़िया एड किया गया है, इसके ट्विस्ट एंड टर्न से कहानी मस्ट वॉच बनती है दोस्तों। प्लॉट इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग है, लोगों ने इसके कहानी से ज्यादा इसके हॉट सीन्स के बारे में बात की है। इसमें काफी सारे न्यूड बेड सीन्स है दोस्तों, हॉट इरोटिक सीन्स की कोई कमी नहीं। IMDb रेटिंग है 6.1 और इसे आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर इंग्लिश में। नंबर 7, एक यंग ब्यूटीफुल लड़की शहर, दोस्त और बॉयफ्रेंड सब कुछ छोड़कर मूव करती है अपनी मदर के साथ एक बड़े आलीशान से महल में। उसकी मदर का एक न्यू रिच हस्बैंड है, वहाँ वो अपने न्यू स्टेप ब्रदर से भी मिलती है। उसका स्टेप ब्रदर उसे फिजिकली अट्रैक्ट होता है। लड़की को ये समझ आता है कि समीरों वाली लाइफ के बीच उसके स्टेप ब्रदर के कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं। तो दोस्तों मूवी का नाम है माई फॉल्ट, जो की आई थी 2023 में। 1 घंटा 57 मिनट की रोमांटिक ड्रामा मूवी है, ट्विस्ट और सरप्राइजिंग एलिमेंट से भरी हुई है ये कहानी। स्टेप सिबलिंग्स के रोमांस एंगल को दिखाया गया है, जिसमें सेक्स और लव मेकिंग सीन्स हैं। न्यूडिटी और हॉट किसिंग सीन से माहौल तो भाई मस्त रहता है। IMDb रेटिंग 6.2 और इसे आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर हिंदी में। नंबर 6, 1950 का समय और एक यंग कपल बहुत अच्छे कम्युनिटी में रहते हैं। हस्बैंड एक सिक्रेटिव वर्क प्लेस में काम करता है, जिसके बारे में वाइफ को बिल्कुल पता नहीं। अपने हस्बैंड के काम पे जाने के बाद वो बाकी दूसरे फैमिलीज के लेडीज से मिलती है। उनके बीच ब्यूटी, लग्जरी, सेक्स, अल्कोहल और ड्रग्स की बातें होती हैं। उसे बाकी लेडीज से कुछ स्ट्रेंज चीजों के बारे में पता लगता है। उसके घर में भी कुछ पैरानॉर्मल चीजें होती हैं, कुछ मिस्टीरियस डीप सीक्रेट्स और फॉरबिडन चीजें से वाइफ है अनजान। मूवी का नाम है डोंट वरी डार्लिंग, जो की आई थी 2022 में। तो दोस्तों 2.5 घंटे की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। म्यूजिक और कॉस्ट्यूम ऑडियंस को 1950 के एरा में लेके जाती है। कॉन्सेप्ट इसका ओरिजिनल और प्लॉट क्रिएटिव है। ट्विस्ट एंड टर्न से कहानी एंगेजिंग बनी रहती है। कपल के बीच हॉट एंड स्टीमी सीन्स हैं, जो इरोटिक नेचर के हैं। IMDb रेटिंग 6.3 और ये अवेलेबल है Apple TV पर इंग्लिश में। नंबर 5, एक सो कॉल्ड कपल अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेट पे जाते हैं। डेट तो अमेजिंग रहता है, लेकिन कुछ चीजों के कारण वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन फेट इन्हें दोबारा मिलवाता है। वो मिलते हैं एक ऑस्ट्रेलियन वेडिंग में, जहां उनको एज कपल रहना है। इस फेकनेस के दौरान सामने आती है उनके अंदर की ट्रू फीलिंग्स और काफी सारा रोमांस। दोस्तों मूवी का नाम है Anyone But You। 1 घंटे 42 मिनट की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। कास्ट की एक्टिंग बढ़िया है। बढ़िया कहानी के साथ दिखेगा आपको हॉट सीन्स, किसिंग्स, लव मेकिंग सीन्स और कुछ हॉट मोमेंट्स भी। IMDb रेटिंग 6.3। फिलहाल ये किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ये थिएटर्स में लगी हुई है और इसे आप देख सकते हो हिंदी में भी।
नंबर फोर, एक वुमेन का चाइल्डहुड होम बिकने वाला है। उसके कई सारे यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं और किसी भी तरह से वो ये घर को बिकने से रोकना चाहती है। इसके लिए वो वेल्दी कपल के ऑकवर्ड और इंट्रोवर्ट 19 साल के सन को डेट करना शुरू करती है। इसको डेट करना और भी ज्यादा मुश्किल साबित हो जाता है और घर बिकने का समय भी जल्द नजदीक आता है। मूवी का नाम है नो हार्ड फीलिंग्स, जो की 2023 में। तो दोस्तों, 1 घंटा 42 मिनट की ये मूवी है। कॉमेडी के काफी सारे मोमेंट्स हैं, उसके साथ रोमांस की भी कोई कमी नहीं। इसमें हॉट एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस, बहुत इंटरटेनिंग मूवी है। और हाँ, न्यूडिटी की बात की जाए तो जेनिफर लॉरेंस की हॉट न्यूड बॉडी को मिस आउट मत करना। आईएमडीबी रेटिंग है 6.4 और ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर हिंदी में। नंबर थ्री, कहानी 1979 की बताई गई है, जिसमें कुछ कास्ट एंड क्रू मेंबर्स पॉर्न मूवी बना के जल्द फेमस होना चाहते हैं। उसके लिए वो जाते हैं टेक्सास के रूरल एरिया में, जहां वो एक एल्डरली कपल से उनकी प्रॉपर्टी झूठ बोलकर रेंट करते हैं। लेकिन जब इस ओल्ड कपल को सच्चाई का पता लगता है तो कास्ट एंड क्रू को अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है। हर तरफ बस खून और फियर है। मूवी का नाम है एक्स, जो की आई थी 2022 में। 1 घंटा 46 मिनट की इरोटिक स्लैश हॉरर मूवी है दोस्तों, जिसमें आउटस्टैंडिंग मिस्ट्री और थ्रिल इसके प्लॉट को फुली जस्टिफाई करते हैं। कहानी के प्लॉट से आप खुद समझ जाओ कि किस लेवल के सीन्स आप इसमें देखोगे। डायरेक्टर ने विंटेज वाइब को प्रॉपर स्पेस दिया है। आईएमडीबी रेटिंग 6.5 और ये अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर हिंदी में। नंबर टू, कहानी है एक इंट्रोवर्ट राइटर की। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बाय करता है ताकि उसको लिखने में मदद कर सके। ये एआई सिस्टम उसे अच्छे कंटेंट लिखने में हेल्प करती है। अब आप समझ जाओ कि बिल्कुल एक पर्सनल फीमेल सेक्रेटरी की तरह। जैसे जैसे उसको एआई की एबिलिटीज के बारे में पता लगता है कि वो चीजें लर्न और अपनी हैबिट में ला सकती है, वो एआई से प्यार कर बैठता है और कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मूवी का नाम है हर, जो की आई थी 2013 में। दोस्तों, 2 घंटे 6 मिनट की मूवी है, जिसमें वंडरफुल ड्रामा के साथ एआई और ह्यूमन के रोमांटिक एंगल को दिखाया गया है। साईफाई विजुअल्स परफेक्टली एडेड है। कहानी, प्लॉट, सीन्स, एक्टिंग, विजुअल्स सब ऑन पॉइंट है। न्यूडिटी भी इस मूवी का एक टॉकिंग पॉइंट रहा है। आईएमडीबी रेटिंग है 8 और इसे आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर हिंदी में। नंबर वन, एक न्यूयॉर्क बेस्ड राइटर और उसकी ग्लैमरस वाइफ पब्लिक के सामने अपनी मैरिज को काफी शानदार दिखाते हैं। भयानक ट्विस्ट ये आता है जब उनके 5th मैरिज एनिवर्सरी पे वाइफ मिसिंग हो जाती है और अब उसके हस्बैंड को ही सस्पेक्ट माना जाता है। इस कपल की सच्चाई और डार्क सीक्रेट्स सामने आते हैं। मूवी का नाम है गॉन गर्ल, जो की आई थी 2014 में। तो दोस्तों, धमाकेदार मिस्ट्री और थ्रू और थ्रिल से भरपूर ये 2 घंटे 29 मिनट की मूवी है। बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न एंड ब्रेथ टेकिंग मूवमेंट्स इसको मस्ट वॉच बनाते हैं। न्यूडिटी का लेवल भी हाई है, जिसमें काफी सारे ब्लड और किसिंग सीन्स के साथ अच्छे इंटेंस और हॉट सीन्स शामिल हैं। बेन एफ्लेक की बढ़िया एक्टिंग को मिस आउट बिल्कुल नहीं करना। आईएमडीबी रेटिंग 8.1 और इसे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आप और कौन से वीडियोस देखना चाहोगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैच को सब्सक्राइब करना ना भूलें।